आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, देश के 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में जारी हुई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 की किस्त। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम ने महाराष्ट्र के वसीम इलाके से जो है एक कार्यक्रम के दौरान ये किस्त जो है वो जारी की। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के तहत जो है 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में जो है 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें साल में जो है 6,000 रुपए लाभार्थी किसानों के खाते में जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ये रुपए जो है 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। भाई सरकार खेती से जुड़े कार्यों में आर्थिक सहायता के लिए जो है किसानों को ये मदद देती है। वह अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में 2,000 रुपए की राशि आई है या नहीं भी आई, तो आप उसे चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद फार्मर कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा। वहां जाकर जो है स्टेटस पर नाउ योर रजिस्टर्ड नंबर या फिर अपना आधार नंबर आप दर्ज करें। इसके बाद जो है एक OTP आएगा, तब OTP जो है आपके रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर पर जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो डाटा यहाँ पर OTP देते ही जो है आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके खाते में ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है ये जानकारी जो है वो आसानी से आपको इसमें पता चल जाएगा। यानी स्टेटस जो है, जो भी आपका स्टेटस जो है वो पूरी तरह से आपको जो है इसमें दिखाई दे देगा। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ने काटे हैं 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शन, फ्रॉड पर नकेल कसने की है तैयारी। सरकार ने फ्रॉड और स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए करोड़ों मोबाइल नंबर कनेक्शन जो है वो यहां पर काटे हैं, यानी मोबाइल कनेक्शन काटे हैं। इनमें वह कनेक्शन भी शामिल है जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिया गया था, उन पर भी संदिग्ध हरकत देखी गई। इसके अलावा दूरसंचार विभाग के साथ काम करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता जो है TSP, उसने 45,00,000 नकली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों को जो है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचने पर रोक दिया है। वही साथ ही व्हाट्सएप अकाउंट को भी, यहाँ पर इसमें कई व्हाट्सएप अकाउंट को भी बैन किया गया है। 1 अक्टूबर से देश भर में नए टेलीकॉम नियम भी लागू हो गए हैं। वही सरकार ने नियमों को जो है ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लागू किया है। फ्रॉड और स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया है। इन्हें फर्जी कागजात द्वारा जो है वो लिया गया था। तो सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है फ्रॉड को रोकने के लिए। ये यहाँ पर फैसला जो है वो लिया गया जिसमें जो है 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर जो है बंद किए जाएंगे। 1.77,00,000 के आसपास जो है वो ये कदम जो है वो यहाँ पर उठाया, यहाँ पर गया है और ये कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं, मोबाइल कनेक्शन काटे गए जो फर्जी सिम कार्ड के रूप में, मतलब फर्जी दस्तावेज दे के लिए गए, दस्तावेज से लिए गए यहाँ पर कनेक्शन को जो है ये काटा गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन कंटेंट के लिए सरकार अब जारी करेगी नई गाइडलाइन, OTT के लिए बनेंगे नए नियम, सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन। अब ऑनलाइन कंटेंट के लिए सरकार जो है नई गाइडलाइन जारी करने वाली है, नई पॉलिसी जारी करने वाली है। दरअसल बात यह है कि भारत के अंदर जो है तकरीबन 45 करोड़ OTT सब्सक्राइबर्स के लिए एक जरूरी खबर है, यानी कि इसके अंदर जो 45 करोड़ OTT यानी ओवर द टॉप के जो यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है उनके लिए जो है बड़ी खबर। दरअसल सरकार जो है OTT पर फिल्मों और वेब सीरीज के लिए रिवाइज गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रही है। OTT पर फिलहाल बिना किसी पाबंदी के अश्लील दृश्य जो है दिखाए जाते हैं। वे OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्दी नई गाइडलाइन जारी करने वाला है, जिसमें न्यूडिटी, अश्लील और गाली गलौज के सीन्स को जो है वैकल्पिक माध्यमों से दर्शाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी सीधे तौर पर जो है आपत्तिजनक जो पोस्ट वगैरह जो है, सीधे तरीके से जो यहाँ पर आपत्तिजनक जो कंटेंट जो है उसको लेकर जो है इसमें यहाँ पर जानकारी दी गई है। वही इसमें आपत्तिजनक सीन्स को लेकर जो है इनको ब्लर करने का निर्देश दिया गया है। यानी सीधे तौर पर आपत्तिजनक सीन्स और गाली गलौज ब्लर म्यूट जो है इनको यहाँ पर किया जाएगा। वह अगर किसी सीन में जो है गाली दी जा रही है तो उसे बीप करना होगा। अश्लील कपड़े पहनने जैसे सीन्स को भी जो है ब्लर करना होगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बीते 3 महीनों से OTT फिल्म निर्माण से जुड़े कंपनियां जो है व्यक्ति और अन्य हिस्सेदारों से विचार विमर्श पूरा करने के बाद नई गाइडलाइन बना रही है। नए नियम कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्शन की प्रैक्टिस को जो है प्रभावित करेंगे। इसे ऐसे बनाया जाएगा ताकि जो है महिलाओं को
जो महिलाएं जो हैं उनके सम्मान से जुड़ी कानूनी धाराओं का कोई उल्लंघन ना हो। हालांकि ये गाइडलाइन बाध्यकारी नहीं होगी। फिल्म निर्माण के दौरान इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा। ओटीटी सीरीज पर निर्माताओं को शपथ पत्र सेंसर बोर्ड और मंत्रालय को जो है वो देना होगा। वही साल शुरुआत में सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट दिखाने के चलते बैन लगा दिया था। उस वक्त देश में करीब 50 से ऊपर छोटे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म इस वक्त इसमें है, जिनमें सबसे ज्यादा यूजर्स जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हैं। वही भारत में 10 से 6 यहाँ पर है, हर 10 में से 6 दर्शक जो है सिनेमाघर की जगह ओटीटी पर फिल्म देखना पसंद करते हैं। इसकी वजह से यहाँ मौजूद कंटेंट, चाहे आप स्पेस थ्रिलर या के प्रेमी हो या फिर रोमांटिक ड्रामा बात अगर आपको बाता हो तो आप OTT पर जो है ये देख सकते हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहें।